सर्जरी होने वाली थी वैसे तो, लेकिन वो नहीं हुई क्योंकि वो दवा से ही उनको आराम मिल गया था, वो ठीक हो गए थे। सर जी को दुआ ही देना चाहूँगी कि खुश रहें वो, बस जब तक हो सके हम लोग उनकी दवा ले सकें। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास प्रोग्राम में। और दर्शकों, आप लोग सोच रहे होंगे इस वक्त मैं कहाँ मौजूद हूँ, क्योंकि मैं ये अच्छे से जान सकती हूँ कि मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड है आपको लग रहा होगा ये तो किसी शॉप का है। जी हाँ, मैं किसी शॉप पे ही हूँ। ये खेड़ा खुर्द में हम मौजूद हैं अपने एक पेशेंट के यहाँ, दिल्ली में एक गाँव पड़ता है, और अनीता जी से मिलने हम पहुँचे हैं, जानने कि वो कैसे हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं, कौन कौन से नुस्खे वो हकीम साहब के अपनाती हैं, खुद का ख्याल और फैमिली का ख्याल वो कैसे रखती हैं हकीम साहब के नुस्खे अपना के। तो चलिए खास बातचीत करते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार जी। मैम आपकी उम्र कितनी है, आपके घर में कौन कौन है? मेरी उम्र 43 और मेरे दो बेटे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरी ससु मामी जी हैं और मेरे देवर हैं, एक देवर है जी। उनके दो बेटे हैं, उनकी वाइफ है जी। आप हाउस वाइफ हैं या वर्किंग वूमेन हैं? वर्किंग जी। क्या काम करती हैं आप? मेरी शॉप है गारमेंट्स की जी। जी, कॉस्मेटिक और गारमेंट्स जी, ये मैं संभालती हूँ। हकीम साहब से कैसे जुड़ी हैं आप? ये एक बार काफ़ी टाइम हो गया, 5 साल हो गए होंगे, तो मैंने टीवी पे प्रोग्राम देखा था सर का। फिर उसके बाद मैंने अपने बेटे के लिए, बड़े बेटे के लिए दवा मंगाई थी सर से। कौन सी दवा? पी केयर। तो उसको मैंने 1 साल तक काफ़ी अच्छा, उसको बहुत रिलीफ मिला है अभी तक। क्या दिक्कत थी बेटे को? फिस्टुला की प्रॉब्लम थी जी। बच्चे की उम्र? 21। तो अभी कैसे हैं वो? ठीक हैं, बेहतर हैं जी। अभी मतलब लास्ट डे उनको सर्जरी होने वाली थी वैसे तो, लेकिन वो नहीं हुई क्योंकि वो दवा से ही उनको आराम मिल गया था, वो ठीक हो गए थे। और कोई भी इस्तेमाल करता है हकीम साहब के नुस्खे आपके घर में? मैं खुद करती हूँ जी, अपने बच्चों पर, और मेरे हस्बैंड ले रहे हैं उनको। सर गोंद बताते हैं, काला गोंद, वो मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ जी। जी, बेटे को भी दिया है मैंने, एस केयर दिया था उसको, बैक प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक है। ठीक है वो। तो हकीम साहब से जुड़ के आपको क्या लगता है कि एक सही ट्रीटमेंट आप फॉलो कर रही हैं? तभी मैं क्योंकि मैंने बाकी जगह से मैंने बंद किया हुआ है, कहीं से भी मैं ट्रीटमेंट नहीं लेती हूँ ज़्यादा, मैं सर के ही नुस्खे अपनाती हूँ जी। एक वो सर चूर्ण बताते हैं, वो भी मैंने बनाया था घर पे ही बनाया है जी। जी, फिर वो भी मैंने अपने हस्बैंड को काफ़ी दिया था, मैंने भी लिया था। मैं भूपेंद्र कुमार, मेरा अपना गारमेंट्स का काम है। हकीम साहब से मैं मिसिज टीवी देखती थी, मिसिज टीवी देख के उन्होंने उनके कार्यक्रम देखे, फिर वहाँ से कुछ दवाइयाँ मंगाई बेटे के लिए, तो वहाँ की दवाइयों से उन्हें बहुत फ़र्क पड़ा बेटे को, तो उन्होंने फिर अपने लिए भी दवाई मंगाई, तो इलाज इतना अच्छा लगा कि यूनानी का कि हमें पसंद आने लग गया। हम दूसरों को बताते थे कि भाई इस यूनानी से तो बहुत फ़र्क पड़ता है, और दवाइयों से अच्छा यूनानी यूज़ करो, इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और मैंने खुद भी गौंसिया लिया, मेरे घुटनों में दर्द था, तो उसके बाद मेरे घुटनों में दर्द कम हुआ, अभी है दर्द लेकिन कम होता जा रहा है मेरा दर्द पहले से, और अब उम्मीद है कि मेरा दर्द बिल्कुल चला जाएगा। बेटे को पाइल्स की दिक्कत थी, तो उनको भी वहाँ से दवाई मंगाई मैडम ने, तो उनको ठीक हो गया था, 3 साल पहले ठीक हो गया था, लेकिन बच्चे मानते नहीं है ना, तो बाहर की चीज़ें खा लेते हैं, तो दोबारा ऐसी दिक्कत आई, तो मैंने कहा भी ये बाहर की चीज़ें बंद करो और दवाइयाँ फिर दोबारा शुरू करो, इसको दिक्कत है तो मैंने दोबारा दवाइयाँ उसकी दोबारा मंगाई हैं, फिर ठीक हो जाएगा। पी केयर दवाई मंगाई थी हमने वहाँ हकीम साहब से, तो उन्होंने पी केयर को सजेस्ट किया था कि पी केयर को दो और इसका बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वाइफ को पैरालाइज की दिक्कत हो गई थी, तो उनके लिए भी अब दवाई मंगाई है, जैतून का सिरका मंगाया है, जो कि वो यूज़ कर रही हैं और उससे उन्हें आराम मिलना शुरू हुआ है। हकीम साहब से जुड़ के समझ लो एक तरह से हमारे लिए भगवान, मतलब मनुष्य, हमारे जो भी जितने भी इंसानियत होती है ना, जो वो अपना फ़र्ज निभा रहे हैं कि वो सबको ठीक करें इस भारत देश में, इस दुनिया में,
वो ठीक कर दें सबको, बस उनकी यही सोच है, वो सबको ठीक करते रहें और सब उनको दुआ देते रहें कि हकीम साहब हमारे लिए भगवान है। कितने टाइम हो गया आपको हकीम साहब से जुड़े हुए? 5 साल हो गया है। और आपके बेटे को जो परेशानी थी वो कितने वक्त पुरानी थी? तभी हमें पता लगा था, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं, अब बेटा आपका ठीक है। तो मैम, जिस तरीके से हम देखते हैं कि लोग क्या यूनानी और घरेलू नुस्खे बहुत देर में जाके अपनाते हैं, क्योंकि सबके मन में एक थॉट होता है कि एक तो ये बहुत लंबे वक्त तक चलती हैं और बहुत धीरे धीरे करके आराम पहुंचाती है, तो आपको ये विश्वास कैसे हुआ जब आपने पहली बार प्रोग्राम देखा, तो आपको ये कैसे लगा कि अब मुझे ये ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए? सर के बताने से ही मुझे यकीन हो गया था कि जिस तरीके से वो बताते हैं ना, घर के ही घरेलू नुस्खे बताते हैं, वो कहते हैं कि दवाइयाँ क्या, सारी दवाइयाँ घर में ही मिल जाती हैं, किचन में वो यही कहते हैं जी। तो मैंने सबसे पहले उनके घरेलू नुस्खे ही अपनाए थे, उसके बाद से फिर मैंने दिक्कत होती है घरेलू नुस्खे हर कोई नहीं बनाते हैं, तो दवा सर से मंगा लेते थे हम लोग जी। तो मेरे को आराम मिला है, मेरे बेटे को आराम मिला। कितने वक्त में आपको आराम लगना शुरू हुआ जब आपके बेटे को ये परेशानी थी, आपने दवाई मंगवाई, तो वो वक्त कितना था? हफ्ता भर, 15 दिन? 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन में उनको फ़ायदा मिला। हाँ जी। तो हकीम साहब, अब ये इंटरव्यू आपका सुन रहे हैं, और आपकी, जैसा कि हमारे इंटरव्यू से पहले बात हुई थी कि कभी आपकी उनसे बातचीत नहीं हो पाई है, तो आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं सर के लिए दुआ करना चाहूँगी, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा वो हूँ खुश, क्योंकि वो इतनी अच्छी दवाइयाँ बताते हैं, और सबसे बड़ी बात है वो घरेलू नुस्खे बताते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए भी। जी जी। और सर जी को दुआ ही देना चाहूँगी कि खुश रहें वो, बस बहुत बहुत सही सलामत रहें जब तक हो सके हम लोग उनकी दवा ले सकें। हमारे भी बेस्ट विशेज हैं मैम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, कि आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसे ही सेहतमंद रहें। तो दर्शकों, ये हमारे साथ जुड़ी अनीता जी जो खेड़ा खुर्द में रहती हैं, ये एक छोटा सा गांव है दिल्ली का, और जाना आप सभी ने कि वो कौन कौन से नुस्खे हकीम साहब के अपनाती हैं, कैसे उनके जो बेटे हैं वो भी ठीक हो गए हैं, तो ऐसे ही आप लोग भी सेहतमंद हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, हमारे साथ जुड़े रहना है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।